मुजफ्फरपुर में 2 महीने पहले बेला औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी और एक बार फिर मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में विस्फोट सामने आया। बता दें मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के विशनपुर गिद्दा गांव में चल रहे प्लास्टिक के बोतल फैक्ट्री का है, जहां एयर कंप्रेशर टंकी फट जाने से बड़ा नुकसान हो गया। इलाके के लोग इस विस्फोट से सहम गए। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार ये प्लास्टिक बोतल फैक्ट्री 6 महीने पहले शुरू की गई थी और स्थानीय लोगों ने इस फैक्ट्री का विरोध भी किया था, लेकिन फैक्ट्री के मालिक घनश्याम शर्मा ने जबरन फैक्ट्री लगाया और इस घटना में कई लोगों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। बता दें एयर कंप्रेशर टंकी ब्लास्ट हो गई, जिसके चलते मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं मशीन का एक बड़ा टुकड़ा बगल के घर की दीवार को तोड़ते हुए दूसरे छत पर जा गिरा। वहीं एक घर की ही दीवार नस्तनाबूत हो गई, काफी नुकसान भी हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो जब ये फैक्ट्री बिना लाइसेंस चलाई जा रही थी और दिन रात मशीन चलाई जाती थी, इससे आसपास के लोग काफी परेशान थे और लोगों की ओर से फैक्ट्री के मालिक घनश्याम शर्मा, अरुण शर्मा, सुरेश्वर शर्मा घटना के बाद से फरार है, जिसके बाद कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। मुजफ्फरपुर में हुए ब्लास्ट मामले पर एसडीओ पश्चिम ब्रजेश कुमार ने बताया है कि मनियारी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गिद्दा में एक प्लास्टिक का बोतल और जार बनाने वाली फैक्ट्री का कंप्रेसर फटने की सूचना मिली है, जिस पर किसी तरह से हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री संचालक और कागजातों की जांच की गई। घटना की प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला गोवर्धन थाने से है, जहां मनसा देवी मंदिर के सामने मानसी गंगा का है, जहां एक साधु मानसी गंगा पर बनी तिबारी में बैठा हुआ था, जिसे उल्टी होने लगी। उल्टी होने के जैसे उसे बाहर के साइड निकाला गया तो अचानक ऊपर से सीढ़ियों पर जा गिरा, जिसके चलते वहीं सीधा मानसी गंगा में डूब गया। स्थानीय लोगों नागरिकों की सहायता से साधु को मानसी गंगा से बाहर निकाला गया, जब तक साधु की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची मीडिया की टीम ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचे हल्का इंचार्ज ने शव की शिनाख्त करने की कोशिश की। वहीं साधु की कोई शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई, तो वहीं अज्ञात शव का पंचनामा कर फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंपारण की धरती मोतिहारी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जहां पहले दिन उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के साथ ही बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। शहर के समाज सेवी शंभुनाथ शिकारिया व युवा साहित्यकार गुलरेज शाह आजाद की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं दोनों मंत्री बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव, विधायक कृष्णानंद पासवान के साथ विधायक सुनील मणि तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही नेताओं ने मोती मेमेंटो म्यूजियम की भी उद्घाटन किया। मौके पर सैकड़ों भोजपुरी प्रेमी लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा को मान्यता दिलाने की लंबी लड़ाई चली है और अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भोजपुरी की पढ़ाई अब होने लगी है, लेकिन भाषा को पूर्ण मान्यता भी नहीं मिल सकी। वहीं मंगल पांडे ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता अपनी मांगों को लगातार विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाए और सरकार को जनता की सुननी चाहिए। बता दें मंगल पांडे ने बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर काबिज, और ऐसे में उन्होंने एक चुटकीले अंदाज में बताया कि हिंदी के एक शब्द दर्द का भोजपुरी में कई नाम है, पर सबके अर्थ एक ही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने इटवा विधानसभा के माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा मित्रों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया तो किसानों की समस्या को लेकर भी बीजेपी को जमकर घेरा। इसके साथ ही अखिलेश ने बेरोजगार युवाओं की बात की और किसानों की समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और कहा कि बाबा मुख्यमंत्री ने 11 मार्च को लखनऊ से गोरखपुर जाने का टिकट कटवा लिया है और उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि गोरखपुर जाते समय अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेकर जाए। और खुद को दंगेश कहे जाने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर कोसा। अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली, तो वहीं खचाखच भरे स्कूल ग्राउंड में भीड़ का आलम यह था कि लोग अखिलेश यादव को सुनने के लिए छतों तक चढ़ गए और सड़क पर खड़े लोगों की वजह से ट्रैफिक जाम भी दिखाई दिया। इस दौरान मंच पर इटवा से सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज से सपा उम्मीदवार सैदा खातून, बांसी से मोनू दुबे, कपिलवस्तु से विजय पासवान और शोहरतगढ़ से गठबंधन उम्मीदवार प्रेमचंद कश्यप भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का लगातार जनसंपर्क जारी है। चुनाव के समय आते ही लगातार जनसंपर्क का सिलसिला भी तेज है और सभी प्रत्याशी अपने जीत का दावा भी कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और आने वाली 3 तारीख को जब मतदान होगा तो तय होगा कि जनता किसे चुनती है, लेकिन प्रत्याशी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बांसी विधानसभा से कांग्रेस के महिला प्रत्याशी किरण शुक्ला ने
सकारपार के गांव में घूमकर जनता से वोट मांगे और कहा कि बांसे में विकास की बात करने वाले एकदम झूठ बोलते हैं। बांसे के सड़कों में एकदम खस्ता हाल है। अगर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना पड़े तो समय पर नहीं पहुंच सकता। तो वही स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा है, उसके बावजूद महंगाई के कारण और सड़कें इस वक्त बेहाल है। साथ ही साथ उन्होंने बेरोजगारों की बात की और बेरोजगार युवाओं को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरी पहली वरीयता यह है कि विधानसभा में एक बेहतर अस्पताल बनवाए, इसके साथ ही सड़कें, शिक्षा और महंगाई पर भी ध्यान दें। पश्चिम बंगाल में छात्र नेता अनिश की हत्या मामले को लेकर लगातार बवाल जारी है और इस बीच हावड़ा के पांचला क्षेत्र पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प देखने को मिली, जहां छात्रों के साथ पुलिस की झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है। जहां पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो वहीं लगातार पुलिस पर पथराव भी किए गए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कई दिनों से अनिश हत्याकांड को लेकर लगातार बंगाल में बवाल जारी है और इसी को लेकर बंगाल के 107 नगर निगम को चुनाव के पहले कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इस वक्त लगातार छात्र और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है।